अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू SGMES बॉयज़ इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल, क्लास 4, सब्जेक्ट ENB. सो फ्रेंड्स, इन दिस सब्जेक्ट वी हैव कंप्लीटेड टिल चैप्टर नंबर 14. ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 15. हियर चैप्टर नंबर 15, फ्रॉम मार्केट टू होम. सो बॉयज, फर्स्ट What is the meaning of market? आप कभी गए हो मार्केट? Yes, very good. है ना, बहुत बार अपनी मम्मी पापा या किसी भी रिलेटिव के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ चीज़ आपको परचेज करनी हो, कुछ न्यू थिंग्स आपको लेने हो, देन यू हैव टू गो टू मार्केट. मार्केट जाके आप कोई भी शॉप से कुछ भी अच्छी अच्छी चीज़ें परचेज कर सकते हो. सो इन दिस चैप्टर वी विल सी अ जर्नी फ्रॉम मार्केट टू होम. मतलब आप मार्केट गए हो, वहाँ से आप घर आ रहे हो, तो उसके बिटवीन जो जो चीज़ें आ रही है, जो शॉप आ रही है, न्यू थिंग्स आ रहे हैं, तो वो हम ये चैप्टर में डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. माई नेम इज़ वैशाली. सो बेटा, ये चैप्टर जो है वो हमको कौन सुना रहा है? वैशाली सुना रही है ना. अभी देखो, वैशाली उसकी स्टोरी सुनाएगी कि वो मार्केट से होम तक किस तरीके से उसका मार्केट टू होम का वे है. जैसे कि आप घर से स्कूल आते हो तो आप अपनी स्टोरी आपके फ्रेंड को आके सुनाते हो कि भाई आज तो हम रास्ते में हमने ये चीज़ें देखी, हमारे ऑटो में आज ये बात हुई, है ना. आप स्टोरी इस तरीके से आपके फ्रेंड को सुनाते हो. सो सेम हियर, वैशाली यहाँ पर हमको उसकी स्टोरी बता रही है कि वो फ्रॉम मार्केट टू होम क्या चीज़ें उसकी होने वाली है. सो हियर माई फादर इज अ वेजिटेबल सेलर. ओके, सो इन दिस चैप्टर वैशाली एक लड़की है, शी इज़ अ गर्ल एंड हर फादर इज़ अ वेजिटेबल सेलर. वो सब्जी बेचने वाले हैं. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेजिटेबल सेलर? देखो बेटा, मैं यहाँ पर जो नंबर वर्ड के नीचे अंडरलाइन करूँ, आपको भी वो वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन करनी है एंड राइट डाउन दिस वर्ड्स इन योर बुक. ओके, EVS नोटबुक में लिख लेने हैं. सो वेजिटेबल सेलर, माई मदर, भाई, छोटू. हु इज़ छोटू? छोटू इज़ अ वैशाली इज लिटल. ओके, उसका जो छोटा भाई है वो होगा, है ना, उसका लिटल ब्रदर है, यंगर ब्रदर. सो छोटू एंड आई. देखो, वैशाली की मम्मी, उसका भाई, उसका छोटा भाई और वैशाली खुद हेल्प फादर विथ हिज वर्क. वो उनके फादर को अपने अपने काम में, ठीक है, उनके काम में सारे घर वाले उनको मदद करते हैं, हेल्प करते हैं. जैसे हम अपने मम्मी को, अपने फादर को हेल्प करते हैं ना, वैसे यहाँ वैशाली और उसकी पूरी फैमिली, दे ऑल आर हेल्प हर फादर इन हिज वर्क. कैन यू गेस एट वॉट टाइम वी बिगेन आवर वर्क? वो पूछ रही है वैशाली कि आपको पता है कि हम कितने बजे हमारा काम शुरू कर देते हैं? एट 3 o'clock इन द मॉर्निंग. देखो बेटा, ये लोग कब काम शुरू कर देते हैं अपना? 3 o'clock, मतलब हम जब सोए हुए रहते हैं आराम से, तब वैशाली और उसकी पूरी फैमिली अपना काम शुरू कर देती है ना. कितने हार्डवर्क करते हैं वो लोग देखो. वेन मोस्ट पीपल आर फास्ट अस्लीप वी स्टार्ट अवर वर्क. जब मोस्टली सारे लोग सोए हुए रहते हैं और हम क्या कर देते हैं? अपना वर्क स्टार्ट कर देते हैं. ओके, टेकिंग आउट द प्रीवियस डेज वेजिटेबल फ्रॉम द गुनी बैग्स एंड बास्केट्स एंड अरेंज देम. क्या करते हैं वो लोग? जो प्रीवियस डेज, ओके, प्रीवियस डेज आपको ये लिखना है, ठीक है. स्पेलिंग प्रीवियस मतलब जो पुराना, लास्ट डे का, है ना. जो वेजिटेबल होते हैं उसको क्या करते हैं पहले वो लोग? जो गुनी होती है, जो गुनी बैग्स रहती है ना, जो सैक्स बैग रहती है, तो उसमें से पहले वो उसको खाली कर देते हैं और क्या करते हैं, बास्केट में से भी उसको निकालते हैं और उसको अरेंज पहले से कर देते हैं. वाई? बिकॉज जो पहले की सब्जी है वो पहले बेच देंगे, तो उसको सबसे पहले तो 3 बजे उठ के अपना ये काम करते हैं कि सब्जी को खाली करते हैं और उसको अरेंज कर देते हैं. ऑन दी अदर हैंड, प्रिपरेशन ऑफ ब्रिंगिंग द फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रॉम दी मंडी. और क्या करते हैं? अदर हैंड प्रिपरेशन ऑफ, और बाद में क्या करते हैं कि जो फ्रेश वेजिटेबल्स होती है, जो कहाँ से लाते हैं? वो मंडी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मंडी? यू हैव टू राइट डाउन दिस मीनिंग एंड इट्स सिमिलर वर्ड. मंडी, इट मीन्स बिग मार्केट. हमारे यहाँ भी देखो, हम अपने छोटे से घर के पास के जो मार्केट में जाते हैं, वहाँ से हम क्या करते हैं? 1 kg, 500 ग्राम, इस तरीके की हम वेजिटेबल परचेस करते हैं. बट इफ़ यू वॉन्ट टू बाय अ लार्ज अमाउंट ऑफ वेजिटेबल्स, और आपको गुनी भर के पूरी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आपको बाय करने हैं, तो आपको कहाँ जाना होगा? मंडी जाना होगा ना, सब्जी मंडी, फ्रूट मंडी, जिसको हम बोले कि बिग मार्केट ऑफ द वेजिटेबल. ओके, समटाइम्स छोटू ऑल्सो हेल्प्स अस. छोटू जो है वो उसका छोटा सा भाई है आपकी तरह, तो वो क्या होता है, वो कभी कभी उसको, उन लोगों को हेल्प कर देता है. ओके, उसका डेली वर्क नहीं है छोटू का, वो कभी कभी अपने को हेल्प करता है.
As soon as we had our tea after finishing the work, we heard the horn of a tempo. जैसे ही वो लोग अपनी ठीक है चाय जो है वो चाय पी लेते हैं वैसे ही उनको अपना टेम्पो का एक हॉर्न आवाज आती है. इट इज़ टाइम फॉर फादर भैया अंकल एंड सम अदर्स फ्रॉम अवर स्ट्रीट टू लीव फॉर दी मंडी. तो ये जैसे ही टेम्पो का हॉर्न इनको आवाज़ आती है ओके हॉर्न पी पी इस तरीके से हॉर्न आपको अभी आपके फादर जब बाहर आते हो तो आपको इस तरीके से सिग्नल देते होंगे कि आपको बाहर आना है ना. बहुत से टाइम इस तरीके से हॉर्न से हम कुछ बातें समझ जाते हैं कि भाई अभी हमको बाहर जाना है चलो हमको नीचे अगर आप फ्लोर वाले फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे रहते हो तो हमको डोल नीचे बास्केट हमको नीचे छोड़नी है. इस तरीके के हॉर्न जो है वो सिग्नल देते हैं. तो यहाँ पर टेम्पो जो है वो हॉर्न देता है. तो वैसे ही उनके वैशाली के जो फादर है भैया है उनके मोहल्ले के उनके जो टाउन के जो अंकल है और बाकी के जो लोग है जो कौन है वेजिटेबल सेलर है तो वो लोग का क्या काम होता है वो टाइम पर हॉर्न सुन के दे हैव टू लीव द स्ट्रीट फॉर दी मंडी. उनको मंडी जाने का टाइम हो गया ये समझ जाना है टेम्पो आ गया सारे लोग टेम्पो में बैठ कर मंडी जाएंगे. नाउ हियर यू कैन सी दिस पिक्चर हियर शी इज़ वैशाली है ना देखो शी इज़ हेल्पिंग हर फादर एंड मदर शी इज़ वैशाली इज़ मदर ना ही इज़ वैशाली इज़ फादर. यू कैन सी ही इज़ अ वेजिटेबल सेलर सब्जी बेचने वाले है ये. ही इज़ वैशाली इज़ एल्डर ब्रदर उसका बड़ा भैया है ये ठीक है. एंड ही इज़ अ वैशालीज यंगर ब्रदर जो छोटू जिसको बोल रहे हैं छोटू है इसका नेम. देखो सारे लोग कितने अच्छे से काम कर रहे हैं. आप सबको भी आपके मम्मी पापा को इसी तरीके से हेल्प करनी होती है ना. देन यू आर अ गुड चाइल्ड ओके. नाउ वी विल गो अहेड ऑन नेक्स्ट पेज पेज नंबर 115 इन योर टेक्स्ट बुक. सो हियर प्रिपेयरिंग फॉर द डे. अभी वो लोगों को मंडी जाना होता है मंडी से सारी सब्जी लानी होती है ना बिग मार्केट से और बाद में वो क्या करते हैं पूरे दिन के लिए प्रिपरेशन करते हैं. तो देखो क्या करते हैं मदर छोटू एंड आई वैशाली खुद उनकी मम्मी और छोटू पुट द प्रीवियस डेज वेजिटेबल्स इन गोनी बैग्स एंड स्प्रिंकल सम वाटर ऑन देम. वो क्या करते थे देखो ये आपको दिख रहा है ये जो गुनी होती है जिसमें हम हमारे घर पे वीट है वो सारी चीज़ें हम लाते हैं जिसको हम गुड़ बोलते हैं सेक रेस में हम जिसको यूज़ करते हैं. तो वो गुनी बैग पे वो उन्होंने क्या रख दिया सारे प्रीवियस डे के वेजिटेबल्स रख दिए और उसके ऊपर क्या स्प्रिंकल कर रहे वाटर स्प्रिंकल कर रहे भाई क्योंकि ये जो वेजिटेबल्स है वो प्रीवियस लास्ट डे की हो चुकी है ना. तो वो जल्दी से ख़राब ना हो जाए इसलिए उसके ऊपर थोड़ा वाटर स्प्रिंकल कर रहे कि वो वापस से फ्रेश हो जाए. बाय 6:30 AM मतलब सुबह में 6:30 बजे. चलो यहाँ पर आपको स्प्रिंकल के नीचे अंडरलाइन करनी है एंड राइट डाउन दिस स्पेलिंग ओके इन योर नोटबुक. फादर इज बैक फ्रॉम द मंडी विथ बास्केट्स एंड सेक्स फुल ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स. अभी क्या होता है देखो वो 3 o'clock को उठ जाते हैं सारे लोग बराबर वो जो गुनी है जो सेक है उसमें से सारे प्रीवियस डे के वेजिटेबल्स बाहर निकाल लेते हैं और वो जो फादर उनके चाय पी लेते हैं और वैसे ही टेम्पो का हॉर्न सुनाई देता है और वो सारे जो टाउन वाले हैं जो एरियाज के मोहल्ले वाले लोग हैं वो टेम्पो में क्या करते बेटा सारे लोग बिग मार्केट जाते दे ऑल आर गोइंग टू मंडी जा रहे होते. अभी 6:30 हो जाते हैं तब क्या होता है उनके फादर वापस आ गए और साथ में क्या लेकर आते हैं फ्रॉम दी मंडी विथ बास्केट्स एंड सेक्स फुल ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स और ताज़े ताज़े एकदम वेजिटेबल्स फ्रेश एकदम वो लेकर आते हैं. एट द टाइम अवर हाउस लुक्स मोर लाइक अ स्मॉल वेजिटेबल मार्केट. और वो वक्त पे हमको हमारा घर कैसा लगता है क्या करें वैशाली जैसे कि हमारा घर एक छोटा सा वेजिटेबल मार्केट हो क्योंकि उनके फादर पूरी सेक भर के फुल ऑफ बास्केट वेजिटेबल्स लेकर आते हैं तो सारे वेजिटेबल्स वो अपने घर में ला कर रखते हैं पहले तो उनका घर ऐसे लगता है कि मानो छोटा सा एक वेजिटेबल मार्केट हो. देर आर ब्रिंजल्स ओके नाउ यू हैव टू राइट डाउन दिस ऑल वेजिटेबल्स नेम्स इन योर नोटबुक. देर आर ब्रिंजल्स पोटेटोज टोमेटोज ओकरा ओके दैट मीन्स भिंडी लेडीज फिंगर ओके पम्पकिन गॉड्स चिलीज एंड मैनी अदर वेजिटेबल्स ऑल अराउंड. उसने सारे वेजिटेबल्स के नेम दिए हुए कि मेरे फादर बहुत से वेजिटेबल्स हमारे घर में लाते हैं जिसमें ब्रिंजल्स पोटेटोज टोमेटोज भिंडी पम्पकिन
कार्स, ओके, जो हम बोलते हैं ना बॉटल गॉड्स, फिर चलो देन एवरीबडी हेल्प्स इन सॉर्टिंग आउट द वेजिटेबल्स. और घर के सारे लोग क्या करने लग जाते हैं, उसको सॉर्ट आउट, मतलब क्या करना होता है कि जो ब्रिंजल्स है वो एक तरफ रखते हैं, पोटेटोज एक तरफ. अब उसमें से भी जो अच्छे अच्छे ब्रिंजल्स होते हैं, थोड़े से कुछ टेढ़े मेढ़े थोड़े ब्रिंजल्स हो गए होते हैं, उस सबको क्या करते हैं वो लोग, सॉर्ट आउट करते हैं. ठीक है, मतलब उसको अलग अलग करना, उसको अच्छे से अरेंज कर देते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं. ऑल दी सम्स, सॉरी, ऑल दी वर्ड्स आर सिमिलर टू ईच अदर. चलो, एवरीबडी हेल्प्स इन सॉर्टिंग आउट द वेजिटेबल्स. ओके, द वेजिटेबल्स विच आर नॉट फुली राइप एंड नॉट रेडी टू सेल आर केप्ट असाइड. मतलब कुछ वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जो अभी वो सेलिंग के लायक नहीं हुए है ना, उसको कोई परचेस नहीं करेगा अभी, वो अभी उसको सेल नहीं कर सकते हम, क्योंकि अगर हम उसको सेलिंग के लिए मार्केट भी ले जाते हैं देन नोबडी विल बाइट. तो उसको क्या कर देते हैं, उसको एक साइड पर रख देते. तो इसीलिए उनको सॉर्ट आउट करना पड़ता है सारी चीज़ें. वी हैव टू सॉर्ट आउट वेजिटेबल्स फास्ट. और उनको ये सॉर्टिंग आउट का काम एकदम फास्ट करना होता है, क्योंकि 6:30 तो हो ही गए हैं, अभी उनको वेजिटेबल मार्केट में जाना है सब्जी बेचने के लिए, तो बहुत बहुत तो उनके पास 1 या 2 आवर्स हो गया ना, तो वो जल्दी जल्दी बेचने के लिए उनके फादर वहाँ जाएंगे. तो उनको ये सारा जो सॉर्ट आउट का काम है, वेजिटेबल सॉर्टिंग आउट करने का, वो दे हैव टू डू वेरी फास्ट सो एज टू रीच द मार्केट एज अर्ली एज पॉसिबल. तो उस वजह से क्या हो, जितना जल्दी काम वो लोग करेंगे तो उतनी जल्दी उनके फादर मार्केट पहुँचेंगे, क्योंकि मार्केट स्टार्ट हो गया और वो जल्दी फादर नहीं करेंगे तो दूसरे उनके जो कस्टमर्स है जो उनके पास लेने वाले हैं वो क्या करेंगे, दूसरे के पास से लेकर चले जाएंगे. वैशाली को फादर को बहुत जल्दी मार्केट पहुंचना है, दैट्स वाई वो सॉर्टिंग आउट का काम जो है वो बहुत फास्ट करते हैं वो लोग. यू कैन सी इन दिस पिक्चर है ना, ये क्या कर रहे हैं, वाटर स्प्रिंकल कर रहे हैं जो प्रीवियस वेजिटेबल्स है उस पर. तब तक वैशाली के फादर कहाँ थे, वो मार्केट में थे है ना, वो सब्जी लेने के लिए गए हुए. अभी देखो यहाँ पर ये मार्केट का सीनरी है. ठीक है, सो टुडे वी विल स्टॉप हियर. इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट वीडियो और आवर नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर बाय 7 o'clock, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. और आज हमने जितने भी मैंने वर्ड के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, दैट ऑल वर्ड्स यू हैव टू राइट डाउन इन योर EVS नोट बुक. ओके, एंड लर्न द स्पेलिंग ऑल्सो, आपको उसकी स्पेलिंग भी लर्न करके रखनी है. गॉट इट एवरीवन? ओके, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन.